किसान बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीट से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, तापमान की स्थिति और वायु गुणवत्ता का हाल भी जानेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबरों पर आइए नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई पांच बड़ी खबरें आपको बता दें। सबसे पहले रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। कहीं कहीं गरज के साथ और चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार छत्तीसगढ़ में बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं कोंकण गोवा की बात करें तो इक्का दुक्का जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना यहां पर बनती हुई दिख रही है। मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें अब मराठवाड़ा की, तो यहां भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें केरल के बारे में, जहां पर कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। तो ये तो बात हुई मौसम से जुड़ी हुई पांच बड़ी खबरों की। आइए अब जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस तरह का अलर्ट जारी किया है और इस बारे में हमें जानकारी दे रही हैं एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। छत्तीसगढ़, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। कृपया सावधान रहें। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जहाँ तो आपने जान लिया मौसम अलर्ट के बारे में, अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम खबर में नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। बता दें आपको आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना बनते हुए दिख रही है और कहां रहेगा मौसम साफ। और ऐसे में आइए सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर भारत का। बता दें आपको उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो या फिर पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बारिश के लिहाज से यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। जी हाँ, हिमाचल, उत्तराखंड के साथ ही जो उत्तर भारत के मैदानी हिस्से हैं यहाँ पर फिलहाल बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है आने वाले 24 घंटों के दौरान। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गांगेय पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। कर्नाटक में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही केरल में भी कहीं कहीं आने वाले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और इसके साथ ही राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते जान लेते हैं मौसम की चाल के बारे में। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है कहीं कहीं पर। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। तो उत्तर भारत में खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं, खासतौर पर पिछले 24 घंटों के दौरान की अगर बात की जाए तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि केरल में कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरसे हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। तो साथ ही तेलंगाना के बारे में आपको बता दें कि यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। अब
मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है और विदर्भ में भी कहीं कहीं पर बरसात दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही पश्चिम भारत में लगातार, आपको बता दें कि कोंकण गोवा की अगर खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों में किस तरह का मौसम का हाल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कुछ ज्यादा इस वक्त चल रहा है और उन क्षेत्रों पर आइए नजर डाल लेते हैं। अधिकतम तापमान की पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति रही और यहां पर भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। आगे बढ़ते बता दें आपको कि पंजाब चंडीगढ़ में भी सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया। अब रुक करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। साथ ही हरियाणा दिल्ली में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई और यहां पर भी दिन के तापमान में इजाफा देखा गया। अब बिहार, झारखंड और ओडिशा की बात करें तो यहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तमिलनाडु पुडुचेरी में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा अधिकतम तापमान। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई जहां पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में 41.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान मापा गया। ये तो बात हो गई अधिकतम तापमान की, जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। जम्मू कश्मीर लद्दाख में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा, यानी कि रात के तापमान में भी इजाफा देखा जा रहा है देश के कुछ हिस्सों में। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश में भी रात के तापमान में इजाफा दिख रहा है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात करें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की तो यहां पर सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान देखा गया। तो यहां पर भी रात के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। इसके अलावा पश्चिमी पूर्वी राजस्थान हो या फिर पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। साथ ही पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो पूर्वोत्तर के भी कुछ हिस्सों में रात के तापमान में इजाफा रहा है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब मैदानी इलाकों में सबसे कम दिल्ली रिज में 16.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान मापा गया है। तो जाना आपने मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति कहां रही और साथ ही वो कौन से क्षेत्र है जहां पर तापमान सामान्य से ज्यादा इस वक्त देखा जा रहा है। आइए अब देश के तमाम अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही। We'll be right back.
तो मौसम खबर में अभी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हैं, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ, मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देख कर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदे। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS के ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदे, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS, इंस्पायरिंग क्वालिटी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हवा कैसी है ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए इसके लिए रुक करते हैं AI एंकर भूमिका, जो हमें बताएंगी वायु गुणवत्ता के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 243 दर्ज किया गया। पुणे में गुणवत्ता सूचकांक 190 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई, यहां गुणवत्ता सूचकांक 308 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 162 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 220 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 127 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 164 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी संतोषजनक रही और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो खासतौर पे दिल्ली, मुंबई और पटना के लोग जरूर सावधान रहे, क्योंकि आपके शहर की हवा की जो गुणवत्ता है वो इस वक्त अच्छी नहीं है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। देखते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान कैसा मौसम मिलेगा आपको पर्यटक स्थलों पर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की आइए पहले बात करें, तो यहाँ पर बुधवार को हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। 12 से 4 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। शुक्रवार को भी बिल्कुल साफ मौसम रहेगा और 11 से 3 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है तापमान में। अगले दिन भी ये तापमान बरकरार रहेगा, हालांकि कुछ बादल छाने के आसार भी बनते हुए यहां दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब उत्तराखंड के देहरादून की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा। तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अगले 3 दिन तक रहेगा, और साथ ही 1 डिग्री की गिरावट के साथ शनिवार को यह 32 डिग्री पर आ जाएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16-15 डिग्री के आसपास यहां पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। जी हाँ, तो बिल्कुल प्लेजेंट मौसम है, मौसम भी बिल्कुल साफ है, तो आप रुक कर सकते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की आइए बात कर लेते हैं, तो यहां पर भी बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। बुधवार को तापमान रहेगा 31 से 22 के बीच, अगले दिन गुरुवार को 32 से 22 तापमान की स्थिति रहेगी, शुक्रवार को 32 से 21 तापमान रहेगा और शनिवार को 33 से 21 के बीच तापमान यहां पर रह सकता है। साथ ही बिल्कुल साफ मौसम यहां पर बना रहेगा, बहुत हल्का उतार चढ़ाव महज तापमान में है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो यहां पर भी बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जहां अगले 3 दिनों तक बना रहेगा, तो वहीं शनिवार तक आते आते अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट देख रहे हैं, 28
डिग्री जो है अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि बाकी दिन जो है न्यूनतम तापमान 10-9 के आसपास यहाँ पर बना रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कैसा मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर भी बिल्कुल साफ मौसम, धूप खिली हुई आपको मिलेगी लखनऊ में, साथ ही 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, न्यूनतम तापमान 22-23 के आसपास बना रहेगा। शनिवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 34 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा। तो जी हाँ, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है और मौसम बिल्कुल साफ है। अब बिहार के बोधगया की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बुधवार को हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं, साथ ही 32 से 24 के बीच यहाँ पर तापमान रह सकता है। गुरुवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 33 से 24 के बीच तापमान रहेगा। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 33 से 23 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और शनिवार को 33 से 22 यानी कि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की और गिरावट आते हुए हम देख रहे हैं। ओडिशा के पुरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान यूं तो मौसम साफ रहेगा लेकिन कुछ बादलों की लुकाछिपी भी चल सकती है। वहीं तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25-26 के आसपास न्यूनतम तापमान यहां पर रहेगा। शनिवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आते हुए हम देख रहे हैं और इसके साथ ही 32 से 25 के बीच रहेगा तापमान। गुजरात के अहमदाबाद में भी बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान, जहां बुधवार को 37 से 24 के बीच रहेगा तापमान, तो वहीं अगले दिन गुरुवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 38 से 24 तापमान की स्थिति रहेगी, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा और शनिवार को भी ये तापमान बिल्कुल ऐसे ही बरकरार रहेगा और मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो गुजरात के अहमदाबाद के बारे में जान लिया आपने, अब महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का ये रुख कर लेते हैं। तो यहां पर साफ मौसम रहेगा लेकिन बादलों की आवाजाही चल सकती है, साथ ही 28 से 18 के बीच रहेगा तापमान। बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हम देख रहे हैं, 27 से 17 के बीच तापमान आ जाएगा, जो उसके बाद आने वाले और 2 दिनों के दौरान बरकरार रहेगा यानी शुक्रवार शनिवार को। तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, महज 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो यहां पर भी बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा, हालांकि आपको दिन के समय 40 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान मिल सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22-23 के आसपास यहां पर तापमान रहेगा। शुक्रवार शनिवार को हम देख रहे हैं कि दिन के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान रहेगा। तो जाना आपने किस तरह का मौसम रहेगा पर्यटक स्थलों में आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब बात कर लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी के बारे में। जी हाँ, मौसम में बदलाव चल रहा है, कहीं तेज़ हवाएं चल रही है तो कुछ जगहों पर बारिश के आसार अभी भी बने हुए हैं, ऐसे में फसलों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए AI एंकर कृष के पास चलते हैं और देखते हैं कि उनके पास किस तरह की जानकारी है समसामयिक कार्यों को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान, मैं हूं AI कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान बेबी कॉर्न की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी का समय मटर की बुवाई के लिए उपयुक्त है। बेहतर बीज अंकुरण के लिए किसान भाई मिट्टी में पर्याप्त नमी का विशेष ख्याल रखें, साथ ही मटर की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश में अभी सरसों की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसान गाजर और मूली की बुवाई कर लें, साथ ही यहां के किसान पालक की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय तोरिया की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहां के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और टमाटर की रोपाई करें। उत्तर प्रदेश के किसान बैंगन, मिर्च और धनिया की रोपाई भी कर लें। यहाँ के किसान मौसम पूर्वानुमान के आधार पर धान की पकी फसल की कटाई कर लें, साथ ही धान की प्राप्त उपज को सुखाकर भंडारित करें। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान धान की तैयार फसल की कटाई करें, साथ ही गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। बुवाई से पहले गेहूं के बीजों की अंकुरण क्षमता की जाँच कर लें। बिहार में अभी का समय आलू की बुवाई के लिए उपयुक्त है। किसान भाई आलू की अगेती किस्मों जैसे कुफरी अशोक, कुफरी पुखराज और कुफरी अरुण का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ के किसान आलू की बुआई के समय बीजोपचार जरूर कर लें। बिहार के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए
हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद क्रिश इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे देश के कुछ हिस्सों में किसान इस वक्त किन फसलों की कटाई करें और किन किन फसलों की बुआई के लिए ये उपयुक्त समय है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र की क्या सलाह है इस वक्त किसानों के लिए। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में परिपक्व उड़द तथा मूंग की फलियों को तोड़ने का कार्य किया जा सकता है। साथ ही उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखना भी सुनिश्चित कर लें। पत्ता गोभी तथा फूल गोभी के 5 से 6 सप्ताह पुराने पौधों की रुपाई भी की जा सकती है। असम में कुटू, तोरिया, रबी मक्का, मसूर, रेप सीड तथा सरसों की बुआई का जारी रखा जा सकता है। साथ ही आलू की रुपाई भी की जा सकती है। पत्ता गोभी, फूल गोभी एवं बैगन के पौधों की रुपाई कार्य जारी रखा जा सकता है। साथ ही खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखना भी सुनिश्चित कर लें। मेघालय में पत्ता गोभी, फूल गोभी तथा बैगन की इत्यादि की रुपाई कार्य जारी रख सकते हैं। किसान भाई लोबिया की फसल को बांस की डंडियों से सहायता प्रदान करना भी सुनिश्चित कर लें। नागालैंड में परिपक्व सोयाबीन, मूंगफली एवं बाजरा की कटाई का कार्य कर सकते हैं। तोरिया, मटर तथा रबी मक्का की बुआई भी की जा सकती है। बिहार में परिपक्व धान की कटाई कार्य जारी रखा सकता है। सरसों एवं राई की बुआई तथा लहसुन की रुपाई भी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम को देखते हुए फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, मूली, शलजम तथा धनिया में सिंचाई दी जा सकती है। मेथी, धनिया, मूली, गाजर एवं चुकंदर की सीधी बुआई भी क्यारियों में करने की सलाह दी जा रही है। प्याज, नोलखोल, ब्रोकली इत्यादि की नर्सरी बुआई भी की जा सकती है। जम्मू और कश्मीर में बासमती धान का रंग यदि सुनहरा हो गया हो तो सिंचाई का कार्य स्थगित कर दें। पत्ता गोभी, फूल गोभी, नोलखोल एवं ब्रोकली की रुपाई भी जारी रखी जा सकती है। उत्तराखंड में परिपक्व धान की कटाई कार्य जारी रखा सकता है। मटर की बुआई भी की जा सकती है। सरसों की बुआई करने हेतु भी समय अनुकूल बना हुआ है। साथ ही किसान भाई गन्ने में सिंचाई भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई का कार्य जारी रखें। चना, मटर, मसूर, सरसों तथा मक्का की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। जहाँ तो ये थी कृषि वैज्ञानिक की देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों के लिए कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की जो कि है बेबी कॉर्न। जी हाँ, खान पान की आदतें बदल रही है और बेबी कॉर्न की मांग काफ़ी बढ़ चली है और ऐसे में इसकी व्यावसायिक खेती आपको अच्छा मुनाफा दिला सकती है। और ख़ास बात यह है कि बेबी कॉर्न की फसल साल भर ली जा सकती है। इसकी व्यावसायिक खेती के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
एक हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। तो ये थी बेबीकॉर्न की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीट से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले मक्का के भाव। गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का का भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मक्का का भाव 2210 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का का भाव 2275 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। अब मौसम्बी के भाव की जानकारी। गुजरात की पोरबंदर मंडी में मौसम्बी का भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में मौसम्बी का भाव 3445 रुपये प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की लुधियाना मंडी में मौसम्बी का भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब जानते हैं सरसों के भाव। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सरसों का भाव 5850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सरसों का भाव 5574 रुपये प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सरसों का भाव 6750 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। इस बार का जो शो है वो कुछ स्पेशल रहने वाला है। क्या भाव अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर मिलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। निवेश करता है वो काली मिर्च को जरूर देखता है, क्योंकि काली मिर्च एक ऐसी आइटम है जो सालों तक रह सकती है। 2004 से लेकर के अभी तक का जो सफर है, सोने का बड़ा बेहतरीन रहा है। 2004 में 4500 रुपए और 2024 में 80000 रुपए। वो आपकी काली मिर्च में निवेश कैसे कर सकते हैं? ई फॉर्मेट में इसको आप स्टोर कर सकते हो और इसके बाद इसको हमारा जो नया ई ऑनलाइन ऑक्शन चालू हुआ है वहाँ पे काली मिर्च को आप ट्रेड कर सकते हो। 2000-3000 रुपए ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन करेक्शन के बाद में सीधा ग्राफ बन के ऊपर की तरफ ही जाएगा। 1,00,000 कब तक करेगा? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट दीपावली विशेष हमारे खास मेहमान आनंद किशोर योगेश सिंघल जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जिनके हौसले बुलंद हो वो पंखों के भरोसे नहीं बैठते, जिन्हें पानी हो मंजिल वो औरों की राह नहीं देखते, अपने आत्मविश्वास और बुलंद हौसलों से आसमान को नापती सरिता सर्वोत्तम कुलकर्णी आज महाराष्ट्र के परली बैद्यनाथ तालुका में ड्रोन दीदी के नाप से मशहूर। अपने खेतों की जमीन को आसमान से सींचती ड्रोन दीदी सरिता सर्वोत्तम कुलकर्णी। जिन्होंने काफी कम उम्र में खेती के क्षेत्र में वो कर दिखाया जो ना सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि उन्हें बनाता है भारत की फार्म लेडी। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 3 नवंबर रात 8 बजे DD किसान पर।
फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।